नीमच शहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद भले ही नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों या नवनियुक्त नगर पालिका अध्यक्ष और परिषद भले ही लाख दावे कर अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं, मगर असल में शहर में नजारा कुछ और ही नजर आ रहा है, क्योंकि समूचा शहर अतिक्रमित हुआ है। अगर हम शहर के हृदय स्थल कमल चौक से भारत माता चौराहे की बात करें तो यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त और यातायात बाधित न हो, इसके लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन पप्पू ने यहाँ पर लगे ठेले और घुमटियों को हटवा कर कारजो मार्केट सहित अन्य स्थानों पर विस्थापित किया था, मगर सत्ता के रहते यहाँ एक बार फिर से नगर पालिका के नुमाइंदों की मिली भगत से इस जगह पुनः नए ठेले और घुमटियां सज चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर 3 पुराने अस्पताल भी हैं जहाँ मरीजों की भीड़ लगी रहती है। अब ऐसे में यहाँ सैकड़ों की तादाद में 2-4 पहिया वाहन और पैदल राहगीरों की भीड़ से लोगों को यहाँ से निकलने में भारी दिक्कतें आ रही है। वहीं बीच सड़क पर खड़े बेतरतीब वाहनों से आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। आज हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने यहाँ का जायजा लेकर आमजनों और से बात की तो उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखो इस मामले को यही कहेंगे, पहले तो एक 40 साल पुराना वहाँ पे अतिक्रमण लोगों व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, उसको लेके जो वहाँ पे हटाया गया अतिक्रमण, उन लोगों को सब जगह दे दी थी नगर पालिका ने। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू जैन के कार्यकाल में जगह मिली थी और जगह कई दशहरा मैदान शिफ्ट हुए थे, कोई यहाँ पारसी बगीचे के यहाँ हुए, कोई पीछे एक पार्क है यहाँ पे हुए थे, तो उस समय तो थोड़ा दिन व्यवस्थित चला। फिर ये समय जैसे ही निकला और फिर थोड़ा समय हुआ, फिर जिनको जगह दी और या फिर वो जगह वाले तो मेरे ख्याल से वहाँ स्थापित हुए नहीं हुए, बल्कि दूसरे लोगों ने वहाँ फिर से अतिक्रमण कर लिया। और वहाँ जब अतिक्रमण हुआ तो दुकानदारों ने जैसे सामने के हैं बोरा गली में आते हैं कि यार हमारे पार्किंग की अव्यवस्थाएँ हो रही है, पार्किंग के लिए नगर पालिका ने जमीन आवंटन करी थी या फिर कब्जे हो गए हैं, तो एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। नगर पालिका में भी कभी देखो तो परिषद में उस अतिक्रमण को लेकर कई एक दूसरे विरोध एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, भाई उसने अतिक्रमण कराया, नेता ने इसने कराया, भाई स्पष्टीकरण हो नहीं पा रहा। और एक दाना गली के चौराहे पर जब टर्न लेते हैं आप देखना वहाँ पर कि गाड़ी इतनी बेतुकी खड़ी रहती है लोगों की कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और वो एक्सीडेंट का कारण ये है कि कभी कोई घटनाक्रम ऐसा होगा कि कहीं यहाँ पे किसी की ऐसा नहीं हो कि भगवान नहीं करे बड़ा ही कोई घटनाक्रम हो जाए और किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अतिक्रमण तो आपको मालूम है कि किस स्तर पे हो रहा है। और अक्सर देखने में आया वहाँ दुकानदार इतने परेशान है, अभी भी दुकानदार मेरे ख्याल से कलेक्टर महोदय से मिले, नगर पालिका अध्यक्ष से भी उन्होंने कहा कि यार यहाँ अतिक्रमण हो रहा है तो इस अतिक्रमण को हटाया जाए, तो स्थितियाँ तो उत्पन्न यही हो रही है। अब आप कह रहे हो शहर में कोई विकास हो, बाकी मेरे को तो इस हिसाब से क्या विकास लग तो दिख ही रहा है ना, बंदरवाट कमीशन खोरी का खेल है, जब भी तो वहाँ पार्किंग पे फिर वापस से अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे, जब एक बार अगर कोई कानून व्यवस्था लागू हो जाती है तो उस पर अमल करना चाहिए। ये तो कानून शासन प्रशासन का काम है कि वहाँ पर ध्यान देवे और वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराए वो जगह। ये तो बहुत गलत है, देखा जाए तो नगर पालिका ने जब दुकानें वहाँ पर उनको जगह दे दी थी बावजूद उसके वापस वहाँ पर इसका भी दौर। और सबसे बड़ी मेन जो प्रॉब्लम है ना कि वहाँ जो पार्किंग की जो व्यवस्था है वो पार्किंग में गाड़ी इस प्रकार से खड़ी की जा रही है कि कोई एक अंदर खड़ी हुई है एक बाहर खड़ी हुई है। कुछ महीने पहले मेरे साथ ही हो गया, मैं जब जा रहा था तो भाई वहाँ से कोई भी अचानक आता और कोई भी घटना घट जाती, क्योंकि गाड़ी के पीछे से उधर से व्यक्ति जब आता रहमान किल्ली के उधर से तो दिख नहीं पाता तो उससे वो घटना घटती है। मेरे साथ भी चुकी है और मेरे सामने कितनी बार ऐसा हो चुका है, सबको दिख रहा है, लेकिन बस ठीक है जैसा चल रहा है मेरा चल रहा। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं नगर पालिका की जवाबदारी जिम्मेदारी जवाबदारी है, नगर पालिका की जवाबदारी बनती है, अधिकारियों को वहाँ पर व्यवस्थित काम करवाना चाहिए कि भाई जिसमें उनको जगह दिए वो जगह दुकानदारों को तो वहीं पर व्यवस्थित करें, जो अतिक्रमण में वापस से दुकानें लगा रहे हैं उनको थोड़ा समझाएं कि भैया यहाँ पार्किंग की व्यवस्था और व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था करवाएं। मेरा मानना ये है कि कमल चौक से लगा के 40 तक यहाँ पूर्व में गुमटियाँ थी, उन गुमटियों को हटाकर एक पार्क है जो पुराना खंडर था उसके अंदर इन सब की व्यवस्था कर दी थी। जो पुराने लोग गुमटेधारी थे उन लोगों को उनकी रसीदें देखकर उसकी व्यवस्था कर दी थी सभी की। ये बिल्कुल क्लीन हो चुका था एरिया और हमारा उसके बाद ये प्लानिंग था कि इस शहर को सुंदर बनाने के लिए 40 से कमल चौक तक का जो ये एरिया आ रहा है जहाँ फजल रहमान क्लिनिक और ये पूरा बोहरा बाज़ार वाला एरिया आंजना कॉम्प्लेक्स ये वाला एरिया जो आ रहा है यहाँ पर अभी भी सभी वार्ड वासियों की आशीर्वाद से प्रार्थना से दुआओं से मेरी पत्नी रानी मसूदी पार्षद और मेरे उसी विश्वास के साथ जनता ने हमें वोट भी दिया और सपोर्ट भी किया
क्योंकि इस एरिया को हमको सुंदरीकरण बनाना है। यहाँ एक बहुत ही सुंदरता के साथ नीमच लिखा हुआ है, जो कि लोग सेल्फियाँ लेकर जाते हैं, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बन सकता है। यातायात भी ख़राब हो रही है और ये जो घुमटियाँ का वापस से सिलसिला जारी हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपनी दादागिरी से, अपनी नगरपालिका अध्यक्ष के दम पर, अपनी सरकार के दम पर, ये हर किसी से कुछ भी अपना दबाव बनवा कर और उस जगह पर घुमटियाँ रखवा देते हैं। मेरा मानना है कि जो अधिकारी जो इस चीज़ को देखता है, उसकी एक एक महीने की तनख्वाह रोकी जाए और उसी से वार्तालाप किया जाए कि ये घुमटी कैसे रखी गई, किसके आदेश से रखी गई। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।